डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन वैसे किस चैप्टर का है? PGBT और कैपिटल गेन का। अगर आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 32 38 एंड 43 ये पीजीबीपी और सेक्शन 50 कैपिटल गेन में आता है। और कैपिटल गेन में आ रहा है तो डिप्रिसिएबल एसेट बेच के जो पैसा आएगा वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। और ये सारे सेक्शन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बताएंगे हमें। चलिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ एसेट्स अकाउंट्स और इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। अकाउंट्स में इंडिविजुअल एसेट्स पे करते हैं, यहां पर ग्रुप ऑफ एसेट्स में करते हैं। अकाउंट्स में डे टू डे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यहां पर पूरे साल का या हाफ रेट करते हैं या करते ही नहीं। और अकाउंट्स में एक इंडिविजुअल एसेट को बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाता है, यहां पर अगर सिंगल एसेट को बेचते हैं तो WDV से कम होता है। अंटिल अनलेस डिप्रिसिएशन नील तो कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट। तो ब्लॉक ऑफ एसेट जो ग्रुप ऑफ एसेट्स है किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में क्या कहता है? द टर्म ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन ए क्लास ऑफ एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड। और ये ग्रुप ऑफ एसेट क्लास ऑफ एसेट आप बताएंगे या इनकम टैक्स बताएगा? इनकम टैक्स बताएगा, ठीक है। जहां पर बिल्डिंग फर्नीचर और फिटिंग प्लांट एंड मशीनरी और इनटैंजिबल एसेट फोर क्लास ऑफ एसेट फिर ग्रुपिंग करके उस क्लास में हम लोग डाल देंगे। इसका मतलब सिमिलर एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो एलिजिबल एसेट्स एंड इट्स रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अच्छा, अकाउंट्स और इनकम टैक्स में एक डिफरेंस और था क्या? कि अकाउंट्स में सिर्फ लैंड और इनटैंजिबल एसेट्स पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, इनकम टैक्स में लैंड को छोड़ के सभी एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन मिलता है। एलिजिबल एसेट्स एंड इट्स रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। एसेट बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब इट मींस सुपर स्ट्रक्चर ओनली एंड डज नॉट इंक्लूड साइट, तो रोड रेलवे साइडिंग्स वेल ये सब आ जाएगा बिल्डिंग में। और जनरल रेट क्या है? 10%। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%। होटल बिल्डिंग है तो 10%। टेम्पररी बिल्डिंग 100%, ठीक है। ये फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है और हाफ रेट इसी का आधा हो जाएगा अगर एसेट इज परचेज्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन द सेम प्रीवियस ईयर। फर्नीचर और फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, जनरल रेट 10% है, स्पेशल रेट है नहीं। प्लांट एंड मशीनरी डिफाइंड कहाँ है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में। और प्लांट एंड मशीनरी का एक्सक्लूसिव डेफिनेशन इन द सेंस इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। प्लांट बाय वे ऑफ एग्जांपल डिफाइन किया हुआ शिप्स व्हीकल्स बुक्स साइंटिफिक अपेरेचर्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस लाइफ स्टॉक बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। जनरल रेट क्या है प्लांट मशीनरी का? 15%। मोटर व्हीकल, अब ये स्पेशल रेट आ गया, मोटर व्हीकल 15%। एनुअल बुक्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स 100%। अदर बुक्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स 60%। एनी बुक्स यूज्ड इन बिजनेस 15%। कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर 60%। अच्छा, जब हम लोग सैलरी कर रहे थे वहां पर कंप्यूटर के ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना था? 50% WDV था वहां पर, जब सेल ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, है ना। और मोटर कार पे कितना था? 20% था सैलरी में, यहाँ पर 15%, ठीक है। शिप्स 20%, एरोप्लेन्स एंड एरो इंजन्स 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 100%। और इनटैंजिबल एसेट नो हाउ पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंसेस फ्रेंचाइजी एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। तो हमने केपीसी के से नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। कितना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन? 25%। हाफ रेट कब होगा? एसेट इज परचेज एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर, तो ये पहला कंडीशन है सेम प्रीवियस ईयर का। कितने दिन के लिए? फॉर लेस देन 180 डेज, एग्जैक्ट 180 डेज है तो फुल रेट है। निल डिप्रिसिएशन कब होगा? क्लोजिंग WDV इज निल या नेगेटिव हो और या फिर ब्लॉक ऑफ एसेट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लोजिंग WDV निल या नेगेटिव कैसे हो जाएगा? सेल ओपनिंग प्लस परचेजेस से ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ एसेट एग्जिस्ट करता है। और ब्लॉक ऑफ एसेट डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि जितने एसेट्स थे वो सारे के सारे आप बेच देते हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा, जैसे ही डिप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा कैपिटल गेन सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी करते हैं सेक्शन 32 कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन। तीन कंडीशन, पहला एसेट इज ओन्ड होली और पार्टली बाय द SSC, दूसरा एसेट इज पुट टू यूज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिसका मतलब एसेट आपने खरीद लिया और पुट टू यूज नहीं है तो आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है
और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अभी नहीं हुआ तो क्या डिप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। डिप्रिसिएशन कब मिलेगा? जब जिस प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और बिजनेस आपका शुरू हो गया, ट्रायल रन कंप्लीट हो जाएगा, उस वक्त से आपको डिप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा। करेक्ट है। यही अगर बिल्डिंग इज यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो हमने क्या बताया था साइंटिफिक रिसर्च में, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 में, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आपको सेक्शन 35 का कनेक्शन मिलने लगता है, है ना। चलिए, एसेट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आप एसेट पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो आपको उसका डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या इज इट ऑप्शनल टू क्लेम डिप्रिसिएशन? नो, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डिप्रिसिएशन। इन पैसिव यूज डिप्रिसिएशन इज अवेलेबल। तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, एसेट इंस्टॉल हो गया, आपको डिप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा, भले उसके बाद एक्चुअल यूज हो या ना हो। सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस परचेजेस ऑफ द एसेट। यहां पर परचेज ऑफ द एसेट में एक्चुअल कॉस्ट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में। और आपने एसेट परचेज किया प्रीवियस ईयर 1 में, पुट टू यूज किया प्रीवियस ईयर 2 में, तो यहां पर कब ऐड होगा? प्रीवियस ईयर 2 में ऐड होगा, प्रीवियस ईयर 1 में ऐड नहीं होगा। माइनस सेल ऑफ एसेट, और सेल ऑफ एसेट में एसेट को बेच के अगर 2 रुपया मिला तो 2 रुपया माइनस होगा। कितने रुपए में खरीदा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितने रुपए में बेचा दैट इज इंपॉर्टेंट। इक्वल टू क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी आ जाएगा। इस क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी में आप डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी आ जाएगा। ठीक है। अकाउंट्स और इनकम टैक्स में क्या फर्क है? अकाउंट्स में जो क्लोजिंग होता है वही ओपनिंग हो जाता है। इनकम टैक्स में क्लोजिंग में डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ओपनिंग आएगा, इसीलिए ओपनिंग का दूसरा नाम क्या है? डिप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 क्या डिफाइन करता है? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट जितने रुपए अपना एसेट खरीदा वो इनवॉइस में नजर आ रहा है, और किसी ने सब्सिडी दिया है तो वो माइनस हो जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर आपने क्रेडिट नहीं क्लेम किया तो जीएसटी आने वाला, तो आपको कैपिटल गुड्स जब आप खरीदेंगे तो जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा। प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ क्रेडिट नॉट क्लेम, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस इंश्योरेंस ऑफ एसेट, प्लस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस इंटरेस्ट टिल द एसेट इज पुट टू यूज, जिसको मैं इंटरेस्ट 1 बोल रहा था, प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज फॉर मेकिंग सर्वे ऑफ द एसेट। सेल ऑफ एसेट ऑब्लिक डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, मनी वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस ऑब्लिक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी से क्या माइनस होगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी से माइनस सेल ऑफ एसेट, जो मैं बता रहा था आपको। सेक्शन 50 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब अराइज होगा? सेक्शन 50 कब एप्लीकेबल होगा? जब डिप्रिसिएशन जीरो होगा। और डिप्रिसिएशन जीरो कब होगा? जब क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी नील या नेगेटिव हो या ब्लॉक ऑफ एसेट डू नॉट एग्जिस्ट। तो कंप्यूटेशन सेल कंसीडरेशन माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीबी माइनस परचेज ऑफ द एसेट, अगर उसी ईयर में परचेज किया, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस इक्वल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब मैं आपको साथ सेक्शन 54 जीए कर रहा था तो मैंने आपको बताया था, एक एग्जेम्पशन की कहानी हमने बताई थी कि वो 40 लाख रुपए का एसेट खरीद रहा है, तो मैंने आपसे डेट पूछा था किस ईयर में खरीदेगा कि उसको टोटल फायदा 80 लाख का हो जाएगा। खरीद रहा है 40 लाख का एसेट लेकिन फायदा कितना हो रहा है? 80 लाख का। तो ये वाला फॉर्मूला वहां यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो डिप्रिसिएशन कंप्लीट।